लाइफ को तीन सर्कल कंट्रोल करते हैं। पहला सर्कल जो आता है वो आता है सेल्फ कंट्रोल, जिसमें आपकी बॉडी और माइंड दोनों काम करता है। सेकंड कंट्रोल करता है इन्फ्लुएंस, जिसको आप प्रभाव छोड़ते हैं और जिससे आप प्रभावित होते हैं। और तीसरा सर्कल है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है आपका, जैसे विपदा, एक्सीडेंट और ऐसे में लॉटरी का खुलना। कोई भी किसी की जन्म होना और मृत्यु होना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, पर तीनों को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर है आपकी फीलिंग, आपका रिस्पॉन्स। आप किस बात का रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए फीलिंग का बहुत रोल है। जैसे मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ तो मेरी गर्दन लटक जाती है, और मैं कहूँ कि मेरी कोई सुनता नहीं है तो मैं परेशान रहता हूँ। और यहीं पर मैं बोलूँ कि समाज ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा तो परेशान रहता हूँ। ऐसे में फीलिंग में लूँ और मैं जिम्मेवारी लूँ और अपने आप को बदलने की करूँ, तो तीन चीज फिर जुड़ी है, अच्छी संगत, अच्छी आदतें और अच्छे गुरु। अगर ये सब कुछ आप सीख कर करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो आपको नीरो लैंग्वेजिंग प्रोग्राम आपको सीख लेना चाहिए। और यहाँ पर सीखने पर फायदा क्या होगा, एक तो कम समय में सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, और ये क्लास नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मिंग क्लास है और ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप में क्या होता है, क्लास में क्या होता है, क्लास में टीचर सुनाता है और आप सुनते हो, जो भी आपकी फीलिंग आई बस वहीं तक आपने अपने अंदर भर ली। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग, हर रोज कुछ पढ़ाया जाता है और क्लास में बैठे कुछ लोगों से या जो भी प्रश्न करता है उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने को पक्का किया जाता है, उस पर जिया जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं सफलता, आप भी चाहते हैं अपने आप की अपलिफ्ट, आप भी चाहते हैं लोग आपको सुने, लोग आपकी वैल्यू को समझें, तो आपको NLP कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसमें